पे सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं इतना सारा इंटरफेस आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है फ्रेंड देख सकते हैं इतना सारा कीवर्ड है ये मतलब इस बंदे ने यूज़ किया है तभी ये वीडियो सर्च में नंबर वन पे आ रही। आपको करना क्या है यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद में यहाँ पे आ जाना दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो कि बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिसको मैंने कभी नहीं देखा, मतलब ये वीडियो को मैंने कभी नहीं देखा फिर भी हमारे YouTube के होम पेज पे आ रही है। मतलब बहुत सारे ऐसी वीडियो आपको मिल जाते होंगे आप जब भी YouTube ओपन करते होंगे तो आप जिस चैनल का वीडियो कभी नहीं देखे होंगे, मतलब जिस चैनल को जानते भी नहीं होंगे, सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे, फिर भी उनकी वीडियो जो है आपके ब्राउज फीचर में YouTube ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि वो लोग अपने वीडियो में सही कीवर्ड यूज़ करते हैं और सही कीवर्ड यूज़ करने की वजह यह है फ्रेंड उसका बेनिफिट ये मिलता है कि इस तरीके से ब्राउज फीचर में कोई अगर नया यूट्यूब चैनल भी ओपन करता है तो उसके भी ब्राउज फीचर में जाता है और वो बंदा देखता है। जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियो ऐसे दिखा दूंगा जिसको मैं कभी नहीं देखता हूँ। जैसे ये वीडियो है मैं कभी नहीं, इसका चैनल ये चैनल जानता भी नहीं हूँ, ये वीडियो आ रहा है। उसके बाद में फ्रेंड और सारे ये देख सकते हैं, ये पता नहीं किसका चैनल है, इसको मैं कभी नहीं देखता हूँ फिर भी ये आ रहा है। बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं फ्रेंड जिनको आप कभी नहीं देखेंगे फिर भी उसका जो है वीडियो आपके चैनल पर आएगा और उस पर जो है बहुत ज़्यादा व्यूज़ होता है, मतलब लाखों में व्यूज़ होता है। ऐसा मतलब ये समझ लो कि वायरल वीडियो होता है तभी आता है। तो इस ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में जो है सही कीवर्ड यूज़ किए हैं, उसी के वजह से इतना सारा व्यूज़ आ रहा है। बहुत सारे ये देखते हैं ये किसी पता नहीं किसका है ये, मतलब बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो मतलब कभी नहीं देखेंगे जिस चैनल का वो भी आएगा। तो इसमें कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, आपको इस तरीके से अपने वीडियो को कैसे वायरल करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, बहुत सही तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ से आपको कर देना है कट। कट करने के बाद में फिर से अपने यूट्यूब पे आना है फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले फ्रेंड। यहाँ पे आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है फ्रेंड, आपको यहाँ पे ये सर्च करना है जिस भी टाइप के आप वीडियो बनाने जा रहे हो, मतलब या वीडियो बना चुके हो अपलोड करने जा रहे हो उस रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अपने हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से, अपने वीडियो के रिकॉर्डिंग, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सर्च करना है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, या चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, YouTube मैं सर्च कर दिया फ्रेंड, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। अब आपको क्या कर देना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्चिंग लगा, उसके बाद में कोई भी वीडियो आएगी सर्च में नंबर वन पे, तो देख सकते हैं एक वीडियो जो है स्प्रेडिंग ज्ञान का रहा है जो कि इस पर मतलब जो है 15 लाख या 12 लाख के सब्सक्राइबर आसपास करीब है, मतलब ये बड़ा चैनल है। उसके बाद में और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक मनोज दे का रहा है, तो इनका जो है सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है, इनका जो है सब्सक्राइबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इनका ऑटोमेटिकली जो है यूट्यूब सर्च में भेजता है। अगर आप सही तरीके से कीवर्ड यूज़ करेंगे ना तो इनकी वीडियो नीचे जाएगी आपकी, मतलब आपकी वीडियो नंबर वन पे आ सकती है और आपकी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे इतने 3 वीडियो जो है ये बड़े बड़े यूट्यूबर का जो है रैंक कर रहा है, एक मनोज देखा हो गया, एक जो है स्प्रेडिंग ज्ञान का, और एक हो गया जो क्रिएटर सर्च 2.0 जो है, उसके बाद में फिर से जो है स्प्रेडिंग ज्ञान का। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना है, यहाँ से कोई भी कीवर्ड आपको यहाँ पे टच नहीं करना है। आपको क्या करना फ्रेंड, जिस भी टाइप के आप वीडियो बनाने जा रहे हो, अपलोड करने जा रहे हो, उसी रिलेटेड जैसे चिकन कैसे बनाया, हाउ टू मेक चिकन, या व्लॉगिंग कैसे करें, या माय फर्स्ट व्लॉग, या कुछ किसी भी रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो वो यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद में एक 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट ऑलोक करने के बाद में एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च फिल्टर, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आल, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एनी टाइम, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च कर देना है दिस मंथ, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है दिस मंथ, या आप ये सर्च कर सकते हैं, मतलब क्लिक कर सकते हैं दिस वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ दिस मंथ, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं जो है क्रिएटर सर्च का नंबर वन पे आ रहा है, मतलब देख सकते हैं जो क्रिएटर सर्च 2.0 इनका नंबर वन पे आ रहा है, जबकि इनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, तो इनको छोड़ो मतलब यहाँ पे। उसके बाद में एक चैनल और इसका सब्सक्राइबर चेक कर लेते हैं, इसका कितना है, इसका 32 लाख सब्सक्राइबर है। उसके बाद में इसका भी जो है ज़्यादा है सब्सक्राइबर, उसके बाद में इसका कितना सब्सक्राइबर देख लेते हैं, इसका 8 लाख सब्सक्राइबर है। उसके बाद में यहाँ पे 4 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, इसका कितना सब्सक्राइबर है, 5 लाख, मतलब इन सबका सब्सक्राइबर इस पे, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर ही इस पे वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड और सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, चलिए व्यूज़ कैसे बढ़ाएं मैं सर्च कर देता हूँ कैसे बढ़ाए। उसके बाद मैं सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया फ्रेंड,
क्लिक करने के बाद में थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको, जिस भी टाइप के आप वीडियो बनाने जा रहे हो उस टाइप का क्लिक मतलब सर्च करके, उसके बाद में यहाँ पे सर्च फिल्टर दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है वीडियो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में टाइम दिस वीक या दिस मंथ, यहाँ पे मैं दिस वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं सबसे पहले जो है ये तो ऐड वाला है, उसके बाद में एक टेक्निकल जो है कोचिंग एक चैनल है उसका है, उसके बाद में यहाँ पे देते हैं एक टेक्निकल बुखार है उनका, ये दोनों बड़ा चैनल है, मतलब इनका जो है बड़ा चैनल है। उसके बाद में और नीचे आएंगे तो एक चैनल और है उन्हीं का है, उसके बाद में ये भी बड़ा चैनल है, उसके बाद में और नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं कितना इसका सब्सक्राइबर है, 71 सब्सक्राइबर देख सकते हैं, जबकि ये शॉर्ट वीडियो है 71 सब्सक्राइबर है, बट इस पर व्यूज आ रहे हैं, मतलब जो है सर्च में नंबर, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इन सबके बीच में घुस रही है, देख सकते हैं ये शॉर्ट वीडियो ना कि लॉन्ग वीडियो। बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ी वीडियो रहती है तभी सर्च में आती है वीडियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके जो कीवर्ड आपने डाला है वो अगर सही तरीके से लगा होगा तो आपकी वीडियो 100% सर्च में आएगी, सही तरीके से जब कीवर्ड लगाएंगे तब। अब यहाँ पे रहते हैं शॉर्ट वीडियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं 8 मिनट का वीडियो 10 मिनट का बनाओ आपका वीडियो सर्च में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, खाली बड़ा वीडियो बनाने से सर्च में नहीं आता। तो मैं सिंपली इस वीडियो को निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद में एक मैं चलिए शॉर्ट वीडियो है लॉन्ग वीडियो को दिखाते हैं, इसका जो है 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है इस बंदे ने जो है, इसका सब्सक्राइबर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सब्सक्राइबर जो है 455 सब्सक्राइबर है, उसके बाद में 97 वीडियो अपलोड किया इन्होंने। अब यहाँ पे देखते हैं जो है 230 व्यूज़ है, जबकि ये सर्च में आ रही है, मतलब इन सब के बीच में सर्च में आ रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जिससे सर्च करेंगे तो पूरी वीडियो को नहीं कि मतलब जो फर्स्ट पे है उसी को देखेंगे, यहाँ पे वो स्क्रॉल करते हैं जो अच्छा दिखा उस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड, जैसा ये लॉन्ग वीडियो इस पर क्लिक करना है, जैसा ये वीडियो है इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं ये इस बंदे ने कुछ तो यूज़ किया होगा अपनी वीडियो में, मतलब कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जिसकी वजह से इस वीडियो मतलब इसकी वीडियो जो है सर्च में यहाँ पे आ रही है। बड़े चैनल का नहीं लेना, कभी भी बड़े चैनल को नहीं देखना, मतलब जो जितने भी छोटे चैनल होते हैं उन्हीं को देखना, मतलब फिल्टर करके देखना। अगर डायरेक्ट वहाँ पे सर्च करके देखेंगे तो जितने भी बड़े यूट्यूबर का होता है ना वही सब दिखाएगा, बट फिल्टर करके देखेंगे तो जल्दी में वीडियो जो अपलोड किए होंगे 1 हफ्ते के अंदर 1 महीने के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर उनका दिखाएगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे देखना है कि छोटे यूट्यूबर का अगर किसी का सर्च में आ रहा है तो उनकी वीडियो को निकालना, बड़े यूट्यूबर का नहीं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर का तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर रहता है, सब्सक्राइबर बेस रहता है, तो उनका सर्च में तो वीडियो आएगा ही। अब यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में कॉपी लिंक दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना, मतलब इस लिंक को जो है कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे आपको कट कर देना। देन कट करने के बाद में आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च कर देना है वाई टूल, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है वाई टूल, यहाँ पे सर्च कर देना आपको वाई टूल, टूल सर्च करने के बाद में यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये बिल्कुल सिक्योर ऐप है, YT स्टूडियो के ऐसा ट्यूब बॉडी होता है उसके जैसा, और BitIQ के जैसा, मतलब ये बिल्कुल भी सेफ है, बिल्कुल हैक वाला ऑप्शन नहीं, मतलब ये हैक नहीं होगा क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, अगर हैक होना होता तो मैं क्यों यूज़ करता, आप इतना तो यकीन कर सकते हो। मैं इसी गलत जानकारी कोई दूंगा ही नहीं कि आपका जो है चैनल प्रॉब्लम में आ जाए। बाकी वीडियो को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे फ्रेंड जो है इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद में ये चेक करेगा मेरा जो है मोबाइल है, ये चेक करेगा कि सिक्योर ऐप है या फेक ऐप है, यहाँ पे देख सकते हैं चेकआउट कर रहा है, उसके बाद में ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर ये मतलब फेक ऐप रहेगा तो इंस्टॉल ही नहीं होगा, मतलब मोबाइल लेगा ही नहीं मेरा, इस हिसाब से मैं सिस्टम करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं ये सर्चिंग ले रहा है, उसके बाद में ओपन होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड। अब एक ऑप्शन मिल रहा है इंटर वीडियो चैनल URL, सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है उस URL को जो आपने जिस वीडियो को कॉपी किया, मतलब जिस वीडियो का जो है लिंक कॉपी किए हो उस वीडियो का जो है लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना। देखते हैं बहुत सारा है, मतलब एक्सटर्नल एक्सट्रैक्ट टैग्स ऑल टैग्स कीवर्ड सजेशन, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है गो पे, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं इतना सारा इंटरफेस आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है फ्रेंड देख सकते हैं इतना सारा कीवर्ड है ये मतलब इस बंदे ने यूज़ किया है तभी ये वीडियो सर्च में नंबर 1 पे आ रही। आपको करना क्या है, यहाँ से कट कर देना है, कट करने के बाद में यहाँ पे आ जाना है वीडियो वाले ऑप्शन, यूट्यूब वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे आपको आ जाना है अपने यूट्यूब वाले ऑप्शन पे, उसके बाद में प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में अपलोड ये वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में कोई सा भी वीडियो अपलोड करना है, जैसे मतलब जो वीडियो आपने बनाया है जिस वीडियो को अपलोड करने जा रहे हो उसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे वही सेम टाइटल कॉपी करके डालना है, सबसे पहला बात यह है कि आपको उसी टाइटल को कॉपी करके डालना है। यहाँ पे आपको उस टाइटल को कॉपी कैसे करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे थे, ये जो है कॉपी टाइटल, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं ये कुछ ऐड लेगा, मतलब ये ऐड चलेगा, उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी टाइटल ऑप्शन पे क्लिक करिए, ये कॉपी हो गया।
कॉपी करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद में अपने यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आने के बाद में यहाँ पे आपको डाल देना है, उसी को पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं मैंने आपको पेस्ट करके दिखा, कॉपी करके दिखा। वीडियो को ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपकी वीडियो सर्च में आने लगी तो व्यूज एनी टाइम आते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मतलब कॉपी करके डाल दी, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पे वही टाइटल जो है पेस्ट कर देना। यहाँ पे पेस्ट कर दिया फ्रेंड, उसके बाद में और नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है यूआर क्वेरीज, वाई वो यूआर क्योरीज, यहाँ पे आपको डाल देना है क्वेरी, यहाँ पे आपको डाल देना है क्वेरीज। उसके बाद में इस तरीके से कर देना, उसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद में सिंपली वही पे आ जाना है फिर से। उसके बाद में एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपी सेलेक्ट, कॉपी आल हैशटैग, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं कॉपी डिस्क्रिप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फिर से बैक आना, ये कॉपी हो गया पूरा। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। देख सकते हैं ये सब पूरा मतलब पेस्ट हो गया। देख सकते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल, सब कुछ पेस्ट हो गया है। जो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा चेक कर लेना है कि मतलब थोड़ा भी मिस्टेक लगता है तो मतलब जो कॉमा दिखता है उसको यहाँ पे निकाल देना है। तो यहाँ पे देते हैं इसको निकाल देना, मतलब पूरा उसका उस बंदे का कॉपी हो जाएगा। देते हैं ये सब पूरा कॉपी हो गया, और जहाँ जहाँ कॉमा दिखता है वहाँ वहाँ मतलब बैक कर देना। जैसा यहाँ पे कॉमा दिखता है ये सब फिट बैठ चुका है। अब यहाँ से होगा फ्रेंड क्या कि आपकी वीडियो जो है सर्च में नंबर वन पे आएगी। देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे इतना सारा कीवर्ड लगा दिया। अब इसलिए सर्च में नंबर वन पे आएगी आपकी, मतलब सेकंड पे अगर नंबर वन पे नहीं आएगी तो सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे आएगी, ऐसा नहीं कि सर्च में नहीं आएगी। तो इससे बेनिफिट ये होगा फ्रेंड कि मतलब इस सब कीवर्ड को अपने में डाल दियो, अपने वीडियो में, तो आपकी वीडियो हो सकता है मतलब उन सब के बीच में घुसेगी, लोग सर्च करेंगे इस सारे कीवर्ड को। तो इतना सारा कीवर्ड है, देख सकते हैं ये सब इस SEO मतलब हो जाता है बिल्कुल सही तरीके से। SEO बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है क्योंकि इतना सारा टाइटल डिस्क्रिप्शन सही तरीके से लगा है। अगर जहाँ कॉमा दिखता है तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से मार देना, यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरीके से मार देना, मतलब चेक कर लेना एक बार। अब यहाँ पे ये हो गया फ्रेंड, अब आपको कर देना अपलोड ए वीडियो। अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने टैग को बिड IQ से लगाना है। मतलब बिड IQ पे क्या है कि आपका जो है मतलब वहाँ पे दिखाता है कितना परसेंट कौन सा टैग रैंक कर रहा है, तो अपने बिड IQ से लगाना, ये नहीं कि कुछ भी टाइटल मतलब जो है टैग डाल दिए। अब फ्रेंड इसके बाद में एक काम और करना है, ध्यान से देखना फ्रेंड। अब और ये जो है आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, SEO जो है बिल्कुल सही तरीके से हो गया क्योंकि इस बंदे ने SEO ऑलरेडी किया होगा सही तरीके से, इसकी वजह से इस वीडियो मतलब इसकी वीडियो जो है सर्च में आ रही है क्योंकि जो है सब्सक्राइबर कम है फिर भी सर्च में आ रही है, तो कुछ SEO तो किया होगा उस बंदे ने, तो उसका जो है अपने वीडियो में डाल देंगे तो आपकी वीडियो सर्च में आएगी। और एक बात को और ध्यान रखना फ्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एग्जांपल अगर एक वीडियो मैंने जो YouTube ओपन किया, ओपन करने के बाद में अगर आपका वीडियो हमारे पास आया तो मैं देखूंगा एक बार कि मतलब किस टाइप की वीडियो है, कैसी वीडियो है। अगर मुझे सही लगेगा इसका थंबनेल तब मैं क्लिक करूंगा, आप भी क्लिक करेंगे। अगर थंबनेल सही रहेगा तो आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, जब तक थंबनेल सही तरीके से नहीं बनाओगे, जब तक आपकी वीडियो लोगों के पास जाएगी लेकिन व्यूज नहीं आएंगे, तो आपको साथ साथ में थंबनेल सही तरीके से एडिट करके बनाना है, थोड़ा क्लिकबेट, थोड़ा क्लिकेबल, पूरा क्लिक मतलब क्लिकबेट नहीं बनाना है, क्लिकेबल बनाना है ताकि लोग क्लिक करें। तो मतलब इस तरीके से अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो है टाइटल में डालना है, उसके बाद में आपको अपने थंबनेल पे इंप्रूव करना, थंबनेल सही तरीके से बनाना है, आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। और पुराने वीडियो को नहीं लेना जो एक साल दो साल पहले की वीडियो जो है हो चुकी है, उसको नहीं लेना है। मतलब मैंने आपको दिखाया कि दिस मंथ या दिस वीक पे क्लिक करके उसका वीडियो लिंक कॉपी करना, मतलब एक साल पहले की नहीं, वो रैंकिंग में नहीं जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।